हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड के एक सब्जेक्ट के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका कोर्स कोड है 507 एंड सब्जेक्ट नेम है हमारा कम्युनिटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसी कोर्स के सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है, कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है एंड किन किन चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। तो ब्लॉग से आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर में। तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3, हमारे सामने 3 ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट ब्लॉक है हमारा सोसाइटी, कम्युनिटी एंड स्कूल। ब्लॉक 2 है स्कूल सिस्टम। ब्लॉक 3 है मैनेजिंग स्कूल कम्युनिटी इंटरफेस। तो हमारे 3 ब्लॉक्स हैं। तो जब हम ब्लॉक 1 की पीडीएफ ओपन करते हैं तो पीडीएफ हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो इसे भी अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिस तरह से डीएलएड के बाकी सारे सब्जेक्ट को अलग अलग ब्लॉक्स में एंड उन अलग अलग ब्लॉक्स को अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक उसी तरह से इस सब्जेक्ट को भी अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो यूनिट फर्स्ट आप देख सकते हैं सोसाइटी एंड एजुकेशन। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा, फर्स्ट चैप्टर भी हम कह सकते हैं। अब नीचे स्ट्रक्चर बताया गया है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, किस तरह से सीरियल वाइज हमें ये सब बताया गया है। मीन्स फर्स्ट हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव, देन थर्ड पॉइंट है हमारा सोसाइटी, मीनिंग एंड इस इंस्टीट्यूशन। फोर्थ पॉइंट है इवेलुएशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, देन सोसाइटी एंड एजुकेशन लिंकेज, स्कूल एज एन ऑर्गन ऑफ सोसाइटी। तो इसी तरह से हमें सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हमारे सामने इंट्रोडक्शन है, उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स शुरू होते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी, मीनिंग एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। तो इसी तरह से हमें पूरी पीडीएफ दी गई है सभी को, इसी तरह से हमें डिवाइड किया गया है सारे चैप्टर्स का, इसी तरह से स्ट्रक्चर बताया गया है। तो ये इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ है, जिन बच्चों ने इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट किया है तो उन्हें इसी पीडीएफ को पढ़ना है, इसी तरह से अपने सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्टडी कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर को हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें हिंदी मीडियम वाले बच्चों की, तो मैं आपको हिंदी में भी पीडीएफ दिखा देती हूँ, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो पीडीएफ हमारी ओपन होने वाली है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये हमारे सामने हिंदी मीडियम की पीडीएफ ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कोर्स कोड 507 लिखा है हिंदी में, समुदाय और प्राथमिक शिक्षा। तो ब्लॉक 1 है हमारा समाज, समुदाय और विद्यालय। तो इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है, ये हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद हमारे जो चैप्टर हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे जो ब्लॉक्स किस तरह से डिवाइड किए गए हैं उसके बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये टेबल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3 दिए गए हैं। अब उन ब्लॉक्स को भी अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया गया है। बात करें अगर हम ब्लॉक 1 की, समाज, समुदाय एवं विद्यालय, तो इन्हें भी 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहली है आपके सामने समाज एवं शिक्षा, इकाई 2 है समुदाय एवं विद्यालय सहभागिता, इकाई 3 है विद्यालय शिक्षा में समुदाय का योगदान, इकाई 4 है सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत समुदाय की भागीदारी के लिए प्रावधान। तो ये हमारा ब्लॉक 1 के यूनिट थे। उसके बाद ब्लॉक 2 के यूनिट शुरू होते हैं, इकाई 5, 6, 7 और 8 ये हमारे ब्लॉक 2 में हैं एंड ब्लॉक 3 में भी हमारे 4 यूनिट हैं, इकाई 9, 10, 11, 12। तो आप ये देख सकते हैं, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी इस डायग्राम से रिलेटेड। तो हम नेक्स्ट पेज पे जब आते हैं तो उसमें हमें यही चीज़ एक टेबल के रूप में बताई गई है कि ब्लॉक 1 को 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, उनके नेम भी हमें सामने दिए गए हैं। फिर ब्लॉक 2 आता है, ब्लॉक 2 में भी सेम इसी तरह से हमें इकाई बताई गई है एंड ब्लॉक 3 में भी। तो अगर आपको डायग्राम की हेल्प से समझ नहीं आता तो इस टेबल की हेल्प से आप समझ सकते हैं।
अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरह से डिजाइन किया गया है। तो अब हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है यानी कि यूनिट फर्स्ट समाज एवं शिक्षा स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें खंड प्रस्तावना जो हमारा ब्लॉक वन है उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जो हमारे यूनिट्स हैं उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ के द्वारा हम किन क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो खंड एक यानी कि ब्लॉक वन आप देख सकते हैं, उसके नीचे इकाई वन है समाज एवं शिक्षा। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एक बार, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यह इकाई आपको समाज का अर्थ समझने तथा समाज के विभिन्न अंगों या अभिकरणों जैसे परिवार, शिक्षा, धर्म इत्यादि की शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका को समझने में मदद करेगी। आप यह भी जानेंगे कि शिक्षा संस्थान समाज के महत्वपूर्ण अंग है तथा सीखना सामाजिक उत्पाद है। यह इकाई आपको भारतीय समाज के विकास की प्रकृति तथा भारतीय समाज की विविधताओं को समझने के योग्य बनाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि यूनिट फर्स्ट में आप क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, मेन फोकस जो होगा आपका किस चीज़ पर होगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारे सामने चैप्टर स्टार्ट हो गया है समाज एवं शिक्षा। इसकी संरचना दी गई है जिसे इंग्लिश में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो इसमें भी हमें ऐसे ही बताया गया कि इस चैप्टर में किस तरह से सीरियल वाइज हमें चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, देन अधिगम उद्देश्य, समाज अर्थ एवं इसी की संस्थाएँ, समाज एवं शिक्षा के जुड़ाव, समाज के एक अंग के रूप में विद्यालय, ने सारांश एंड बाकी अदर चीज़ें हमें दी गई हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, आपके सामने प्रस्तावना आ चुकी है, अधिगम उद्देश्य एंड समाज हमारे टॉपिक से इसी तरह से, तो आपको इससे रिलेटेड अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें हिंदी मीडियम की PDF चाहिए होगी, तो आप इस तरह से इस PDF में पढ़ सकते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो उस वीडियो को देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और DLED के जो बाकी और सब्जेक्ट हैं हमारे, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स या फिर आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उन सभी की वीडियोज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं जो आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें जिससे आपको DLED के सिलेबस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं देन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और जिन बच्चों को DLED सिलेबस के बारे में नहीं पता तो उन तक ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।